नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुरु चंबेश यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार हरियाणा में डिफरेंट नॉन टीचिंग की करीब 26 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म्स हैं वो 25 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 16 फरवरी इस सभी फॉर्म्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर आप 16 फेब तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी सारी जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारियां, कौन सी पोस्ट है, उनके लिए क्या आपका रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और क्या उनका सिलेबस रहेगा, और कितनी कितनी पोस्ट, और कौन से जो बच्चे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो सारी डिटेल्स आपको मिलेगी आगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियां, वैकेंसीज, जॉब सब्जेक्ट्स और एडमिशन प्रोसेस के इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के जानने के लिए। तो सबसे पहले बात करें पोस्ट की, तो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है और सभी आपकी ये परमानेंट रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज हैं। सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल की एक पोस्ट है, तो इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, और इसमें एक्सीलेंट इन ओरल रिटन कम्युनिकेशन हिंदी एंड इंग्लिश आपका है। तो इसके लिए रिटन टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का, और बाकी आपके इंटरव्यू भी आपका इसमें क्राइटेरिया रखा गया। उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की भी एक ही पोस्ट है, इसके लिए बीई या बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% मार्क्स आपकी होनी चाहिए। इसमें भी आपका रिटन टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का ही होगा आपका, और इंटरव्यू भी आपका इसमें रखा गया है। इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की भी एक ही पोस्ट है, और इसमें भी आपका बीई या बीटेक कंप्यूटर आईटी से होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। इसमें भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आपका रहेगा। उसके बाद असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की भी जनरल की एक पोस्ट है, उसमें मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए, या बीएससी फर्स्ट क्लास विद मोर देन 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन लैब एज ए लैब अटेंडेंट आपके पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की एक ही पोस्ट है और टोटल भी एक ही पोस्ट है, इसके लिए भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आपका रखा गया है। जूनियर प्रोग्रामर की आपके टोटल 5 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल की एक, एससी की दो, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की एक और बीसीए कैटेगरी की एक। टोटल 5 वैकेंसीज है, जिसमें जिन स्टूडेंट्स ने बी टेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से या आईटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। फिर सिक्योरिटी गार्ड की एक ही पोस्ट है, सिक्योरिटी ऑफिसर की, इसमें बैचलर डिग्री विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सुपरविजरी पोजिशन इन सिक्योरिटी ने गवर्नमेंट ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास एक वैलिड आर्म्ड लाइसेंस होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए टू राइड जीप और मोटरसाइकिल, तो ये आपके पास सारे होने चाहिए। इसके लिए भी रिटन टेस्ट होगा, और इसमें सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी आपका 5 मार्क्स का होगा। रिटन टेस्ट 70 मार्क्स का, और डोमेन नॉलेज जो प्रोफेंसी टेस्ट 25 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स इसमें आपके हो गए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बाकी ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यूज हैं, इन सभी में इंटरव्यूज के 15-15 मार्क्स हैं और रिटन टेस्ट के 50-50 मार्क्स। इस प्रकार से जो आपके बांटे गए हैं हर एक की, ये आप इसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगली वैकेंसी की, जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, एक ही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की है वो भी, तो इसमें भी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से विद 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसमें भी आपका रिटन टेस्ट 70 मार्क्स का आपकी इसमें रहेगी, डोमेन नॉलेज प्रैक्टिकल जो टेस्ट है वो आपका 25 मार्क्स का होगा, और सोशियो इकोनॉमिक 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, टोटल 100 मार्क्स हो गए, इसकी मेरिट के बेसिस पे होगा। फिर अकाउंटेंट की 2 पोस्ट हैं, इसमें बैचलर डिग्री इन कॉमर्स स्ट्रीम होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्रोफेंसी इन टैली एंड अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपका होना चाहिए। इसमें रिटन टेस्ट की आपकी क्राइटेरिया 70 मार्क्स का है, डोमेन नॉलेज का 25 मार्क्स और सोशियो इकोनॉमिक 5 मार्क्स। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में विद 55% मार्क्स और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश आपके होने चाहिए। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया, 100 मार्क्स का, 70 रिटन का, 25 आपका डोमेन नॉलेज, 5 आपका सोशियो इकोनॉमिक। फिर हॉस्टल केयर टेकर की बीसीए की एक वैकेंसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की एक वैकेंसी, तो टोटल 2 वैकेंसी है। इसमें आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री है विद 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी रिटन टेस्ट के लिए 70 मार्क्स है, डोमेन नॉलेज तो जो प्रोफेंसी टेस्ट है वो आपका 25 मार्क्स का होगा और सोशियो इकोनॉमिक 5 मार्क्स। उसके बाद अकाउंटेंट्स अकाउंट्स क्लर्क की, इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और मैट्रिक में आपके हिंदी या संस्कृत एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और इसमें भी आपका 70 मार्क्स और सेम ही वो आपका रहेगा।
फिर लैब अटेंडेंट की जनरल की दो वैकेंसीज हैं और ESM SC की एक वैकेंसी है। टोटल तीन वैकेंसी, इसमें आपके पास BSc होना चाहिए या 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो सकता है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी 100 मार्क्स का आपका ये है टोटल, 70 मार्क्स का रिटन टेस्ट और 25 का डोमेन नॉलेज जो प्रोफेंसी टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद चौकीदार की भी दो जनरल की पोस्ट है, एक EWS की और एक PWD की, टोटल 4 पोस्ट है। तो कुल मिला के सारे जो पोस्ट हैं आपकी नॉन टीचिंग की GGU में जो वैकेंसी रिलीज हुई है 26 पोस्ट है, और इन सभी 26 पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया और आपका रखा गया, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब सिलेबस देख लेते हैं क्या सिलेबस इसका रहेगा। इस फॉर्म की फीस बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये है, और फीमेल और EWS कैटेगरी ऑफ हरियाणा उनके लिए 400 रुपीज़ है, और 200 रुपीज़ है SC BC और ESM और PWD कैटेगरी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की 16 फरवरी है। इसके बाद बात करें अगर जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनकी साइज़ भी आपको ध्यान रखना है, कि इसकी हाइट और विड्थ और साइज़ है वो आपको जो आपकी स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ का 75 KB या उससे कम होना चाहिए, सिग्नेचर का 50 KB और उससे कम होना चाहिए, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आपका होगा वो 300 KB से या उससे कम होना चाहिए, और आज जितने भी अदर डॉक्यूमेंट आपके डिग्री और बाकी जो आप अपलोड करोगे उन सभी का भी साइज 300 KB और उससे कम होना चाहिए। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें दे रखी है, तो ये आपको ध्यान से अपना अपलोड करना है, जो जहाँ भी आप अपलोड करेंगे खुद से आपके किसी भी साइबर कैफे से आप अपलोड करवाएंगे। अब देख लेते हैं आपका इसका क्या सिलेबस रहेगा आपके डिफरेंट डिफरेंट इन वैकेंसीज के लिए, तो ये आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल 100 मार्क्स का ईच क्वेश्चन पेपर होगा, 2 घंटे आपको उसको अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे, और 100 ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। और सिलेबस आप देख सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपको नीचे दे रखा है, असिस्टेंट वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए नॉलेज अप टू BE BTech जनरल नॉलेज कंप्यूटर फंडामेंटल क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। फिर जूनियर प्रोग्रामर के लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग PHP एंड SQL 25%, प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा एंड CCC 25%, नेटवर्क इंटरनेट साइबर सिक्योरिटी लिनक्स विंडोज़ इसके लिए 25% क्राइटेरिया रखा गया, और जनरल नॉलेज क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का 25%। बाकी जितनी भी पोस्ट है उनके लिए जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, कंप्यूटर फंडामेंटल, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट होगा आपका जो रिटन टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा। ये जो सिलेबस है असिस्टेंट डायरेक्टर का वो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको सारी जानकारियां हैं जो सिलेबस रिटन टेस्ट कैसे होगा और कितना आपका इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट का वो सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कोई आपको डाउट रहता है, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियां सारी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।